गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का 15th चैप्टर की एक्सरसाइज 15.9 करेंगे, जिसमें हम एक फार्मूला करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस, जो बेस्ड होगा बर्नौली ट्रायल के ऊपर। तो बर्नौली ट्रायल क्या है स्टूडेंट्स? व्हेन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड, देर आर टू काइंड ऑफ आउटकम, वन इज सक्सेस एंड अदर इज फेलर। जब हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को करते हैं, एक होती है हमारे पास सक्सेस और दूसरी होती है फेलर। हमारे पास दो तरह की आउटकम होती है। सपोज हमने एक डाई को टॉस किया, डाई को टॉस करने पर मुझे चाहिए टू आने की प्रोबेबिलिटी, सिर्फ टू आने की प्रोबेबिलिटी। तो टू आना तो हो गया सक्सेस, मुझे चाहिए टू, और वन थ्री फाइव सिक्स और फोर, वन थ्री फोर फाइव सिक्स, या अगर इनमें से कोई आ गया, ये हो गया फेलर। यानी दो तरह की हमारे पास आउटकम है, एक तो सक्सेस है और एक फेलर। मुझे टू चाहिए तो टू सक्सेस हो गया और ये हो गया फेलर। अब स्टूडेंट, बर्नौली ट्रायल क्या है? बर्नौली ट्रायल में हमारे पास दो तरह की आउटकम होगी, एक सक्सेस और दूसरी होगी फेलर। सक्सेस क्या है वो मैंने बता दिया, और फेलर क्या है वो मैंने आपको बता दिया। सपोज मैंने एक डाई को एक बार फेंका, दो आने को मैंने सक्सेस मान लिया, तो दो का आना सक्सेस है और बाकी अगर कोई भी नंबर आता है तो वो क्या है? फेलर है। तो बर्नौली ट्रायल क्या है स्टूडेंट्स? यानी बर्नौली ट्रायल हमारे पास दो आउटकम के ऊपर बेस्ड होती है। बर्नौली ट्रायल है क्या? अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं एक बार, तो वो होता है एक, बर्नौली ट्रायल है एक। अगर हम एक्सपेरिमेंट को, सपोज एक डाई को हमने तीन बार फेंका, तो बर्नौली ट्रायल उस टाइम कितनी हो जाएगी हमारे पास? तीन। यानी तीन बार फेंक करके हमने एक्सपेरिमेंट किया, तो बर्नौली ट्रायल उस टाइम कहेंगे हम थ्री। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है स्टूडेंट? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली ट्रायल के ऊपर बेस्ड है। वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस का फार्मूला करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस। अभी आर सक्सेस क्या है ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सक्सेस देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस का हमारे पास फार्मूला है एन सी आर, पी रेस टू पावर आर और क्यू रेस टू पावर एन माइनस आर। ये n क्या है, r क्या है, p क्या है, q क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। n है हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल, यानी नंबर ऑफ ट्रायल कितने की है, नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल, नंबर ऑफ ट्रायल। यानी सपोज मैंने एक डाई को तीन बार फेंका, तो तीन बार फेंकना यानी दैट इज n। और r, r क्या है, नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ सक्सेस, रिक्वायरमेंट ऑफ सक्सेस। और पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ये सारी चीजें मैं एक बार और समझाऊंगा आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और क्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सक्सेस। अब देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैंने कहा था कि एक डाई को हम एक बार फेंकते हैं, तो दो तरह की प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास, एक तो सक्सेस की और एक नॉट सक्सेस की। अब सपोज करो हमने डाई को फेंका दो बार, तीन बार फेंक ली, तो मैंने दो के आने को क्या मान लिया, सक्सेस मान लिया। अगर दो के आने को सक्सेस मान लिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी होगी, दो के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दो एक ही बार आता है स्टूडेंट्स हम फेंकेंगे, तो वन बाई सिक्स है। तो इसको बोला जाता है पी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी जो हमें चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। क्या वो क्या है, उसके नए आने की, तो 5/6 हो जाएगी स्टूडेंट, क्योंकि 5 केस ऐसे हैं जैसे 1 3 4 5 6, टोटल तो हमारे पास 6 थी ना, तो डाई को फेंकने में 5/6। अब जब मैंने डाई को तीन बार फेंका, जब डाई को तीन बार फेंका, तो मुझे ये बताओ दो बार टू आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, यानी दो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। यानी जब मैंने व्हेन डाई इज टॉस थ्राइस, व्हेन डाई इज टॉस्ड थ्राइस, तो नम एन कितना आ जाएगा हमारे पास, थ्री। और मुझे कितनी सक्सेस चाहिए, दो, यानी दो बार दो आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब दो बार दो आने की प्रोबेबिलिटी मुझे चाहिए, तो आर की वैल्यू कितनी चाहिए मुझे, दो। इन दो बार सक्सेस, यानी दो बार हमारे पास क्या आए, पी आए, यानी पी का मतलब सक्सेस है और क्यू का मतलब नॉट सक्सेस। यानी पी दो बार आए, हमने तीन बार फेंका है,
तो पी दो बार आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पी पी और एक बार क्या हुआ है, और ऐसा आ जाए एक पहली बार पी आ जाए, दूसरी बार क्या हो, तीसरी बार पी, और पहली बार क्या हो, दूसरी बार पी, तीसरी बार पी, तो ये बनेगी स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोबेबिलिटी, यानी दो बार हमें इन दो बार सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी ऐसे हो सकती है, यानी दो बार सक्सेस है, एक बार नॉट सक्सेस है, पहली बार सक्सेस, दूसरी बार नॉट सक्सेस, हमें दो सक्सेस चाहिए, तो ये आएगी ना स्टूडेंट्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 मल्टीप्लाई पी की वैल्यू 1/6 और क्या बाई 5/6, 1/6, 5/6, 1/6 और 1/5/6, 1/6, 1/6, तो आई 216 एलसीएम, तो 5 और 5 10 और 5 15, 15/216 हमारे पास टोटल, यानी हमारे पास जब एक डाई को तीन बार फेंकेंगे तो जिसमें दो दो बार आएगा वो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 15/216। अब स्टूडेंट्स और अच्छे तरीके से मैं आपको और एग्जांपल के द्वारा आपको समझाता हूँ। देखिए एक क्वाइन इज टॉस्ड, एक क्वाइन इज टॉस्ड, मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ, एक क्वाइन इज टॉस्ड 4 टाइम एंड गेटिंग ए हेड, गेटिंग ए हेड इज सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सक्सेस। अब दो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी चाहिए, यानी टू सक्सेस की प्रोबेबिलिटी चाहिए, इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, यानी हेड को आना मैंने सक्सेस माना है, यानी टू सक्सेस का मतलब दो बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब जब चार बार फेंकेंगे तो दो बार हेड वाले अगर मैं केस बनाऊँ तो कौन कौन से बनेंगे स्टूडेंट्स, पहली बार हेड, दूसरी बार हेड, तीसरी बार टेल, तीसरी बार टेल, या हेड टेल, हेड टेल, या टेल टेल हेड हेड, या टेल हेड टेल हेड, या हेड टेल टेल हेड, या टेल हेड हेड टेल, कितनी बनेगी, 6। और टोटल अब जब एक कॉइन को चार बार फेंकेंगे तो टोटल हमारे पास आउटकम कितनी होगी, तो टोटल आउटकम होगी हमारे पास चार बार फेंकने पर 2 की पावर 4 है ना, 16 होगी, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सक्सेस, यानी दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आई हमारे पास, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 6 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम कितनी होगी, एक कॉइन को चार बार फेंकेंगे तो 16 होगी, तो 6/16 आएगी स्टूडेंट्स। अब मुझे इस फार्मूले से करना है जो मैंने आपको एन सी आर पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर, इस फार्मूले से हम करते हैं स्टूडेंट्स कैसे होगा। अब व्हेन हमने एक क्वाइन को फेंका है तो हेड आने को सक्सेस माना है, इफ हेड आना सक्सेस है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी होगी, जब एक क्वाइन को एक बार फेंकते तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2 और क्यू कितनी होगी, 1/2 होगी न आने की, पहले एक बार फेंकने पर आने की प्रोबेबिलिटी को हम सक्सेस मानेंगे। When coin is thrown four times, तो when coin is tossed 4 times, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 4, हमें कितनी सक्सेस चाहिए, यानी दो हेड चाहिए, तो r की वैल्यू कितनी लेनी हमने, 2, इफ़ यू रिक्वायर 2 है, तो फार्मूला में पुट करें स्टूडेंट्स, दो सक्सेस मिल जाएगी, n की 4 के 4c2 पी 1/2 की पावर r, r कितना 2, और क्या कितना 1/2 की पावर n माइनस r, यानी 4 माइनस 2, यानी 4c2 4 × 3 / 2 × 1 और 1/2 की पावर कितने आ जाएगा, 2 और 1/2 की पावर 2, यानी 1/2 की पावर 4 हो गई स्टूडेंट्स, 2 × 2 = 6 और 1/2 की पावर 4 कितना हो गया, 1/2 को 4 बार मल्टीप्लाई, तो 6/16, तो पहले भी 6/16 थी अब, और इस फार्मूले से भी हमारे पास 6/16 आई। अगर वो ये कह दे एक क्वाइन को 5 बार फेंका है तो 5 बार फेंकने पर 2 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालिए, अब 5 बार फेंका है क्वाइन को और 2 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो अब देखिए 5 हेड में 2 हेड को एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होगा, यानी हेड पहली बार हेड, दूसरी बार हेड, तीसरी बार टेल, चौथी बार टेल, पाँचवीं बार टेल, यानी हेड टेल हेड टेल टेल, या टेल हेड हेड टेल टेल, या टेल टेल हेड हेड टेल, और टेल 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 हेड हेड, अब टेल टेल हेड टेल हेड टेल, तो इस तरह से हम फेल हो गए।
अब हमें ये नहीं समझ आ रहा कि आगे कौन सा केस छूट गया, तो यहाँ पे हम क्या हो गए, फेल हो गए अगर मैं इस वे से करूँ। लेकिन अगर मुझे इस फार्मूले का पता है, यानी बर्नौली यानी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पता है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अगर इस फार्मूले से हमें कितनी चाहिए, यानी मैंने एक क्वाइन को 5 टाइम फेंका है, तो नंबर ऑफ ट्रायल कितनी होगी, हमने हमारे पास 5 हो गई। और मुझे चाहिए कितनी, 5 बार फेंका स्टूडेंट्स मैंने क्वाइन को, अब मुझे चाहिए कितनी सक्सेस, यानी 2, तो आर की वैल्यू हम 2 ले लेंगे। और पी हेड का आना सक्सेस 1/2 है, क्या ने आना 1/2। तो स्टूडेंट्स फार्मूला क्या है, 5CR 5C2, यानी 2 सक्सेस का फार्मूला रहेगा, 2 सक्सेस यानी आर की वैल्यू 2 रख देंगे हम उस फार्मूले, इस फार्मूले में आर की वैल्यू 2 रखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो 5C2 पी 1/2 की पावर 2 और क्या 1/2 की पावर 5 - 2, तो 5C2 को 5 × 4/2 × 1 और 1/2 की पावर 2 और 3 5 हो जाएगी स्टूडेंट, 2 × 4 यानी 10/2 की पावर 5 आ जाएगा हमारे पास 32, यानी ऐसे 10 केस बनेंगे स्टूडेंट्स। अगर 2 हेड को एडजस्ट करेंगे तो 10 केस बनेंगे स्टूडेंट्स, आप 10 केस बनाओगे। लेकिन अगर 5 में हम चलो 10 बार भी हम बना लेंगे, एक बार मान लेते हैं हम, अगर वो 6 बार फेंकते तो 2 हेड को कैसे एडजस्ट करते। अगर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ ट्रायल ज़्यादा हो गई, तो अगर हमने 6 बार हमने कॉइन को फेंका और 6 बार में 2 हेड चाहिए, तो 2 हेड को एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हमें ये नहीं पता चलेगा तो कितने एडजस्टमेंट बनेगी। तो आप डायरेक्ट, अगर आपको ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला पता है, तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं कितनी एडजस्टमेंट बनेगी। यहाँ पे 10 एडजस्टमेंट बनी है, क्योंकि एक क्वाइन को 5 बार फेंके टोटल आउट, ये तो टोटल आउटकम है, तो एडजस्टमेंट कितनी है 10, इसे 6 बार फेंकने पर तो 64 आउटकम बनेगी टोटल। और 2 हेड की कितनी बनेगी, वो स्टूडेंट्स हम इस फार्मूले से एन की वैल्यू 6 रखेंगे, आर की वैल्यू 2, बाकी सेम रहेगा, तो वो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जब हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइम हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा प्रोबेबिलिटी को निकालने में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो इसके का बेसिक है वो समझ आया होगा। अभी देखिए स्टूडेंट्स हम इसकी एक्सरसाइज का हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, इससे पहले आप लोग एक्सरसाइज की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स, जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है एक्सरसाइज के अंदर, तो उम्मीद करता हूँ कि इसकी 3 से 4 वीडियो बनेगी। तो स्टूडेंट हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए डाई इज थ्रोन 8 टाइम, अब 8 टाइम्स फेंका गया है डाई को, इफ गेटिंग एन इवन नंबर इज ए सक्सेस फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 7 सक्सेस। उसने कहा है एक डाई को 8 टाइम फेंका गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इज ए सक्सेस, ए डाई इज टॉस्ड इफ गेटिंग एन इवन नंबर क्या है, इवन नंबर का आना क्या है सक्सेस है, इज सक्सेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर यानी पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो पी हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, लेट पी बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, पी बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, probability of success, तो even number कितने होते हैं डाई को फेंकने पर, 3 होते हैं, तो 2, 4, 6 3/6 होगी, 1/2 और क्या कितनी होगी स्टूडेंट्स, 1 - 1/2 आ जाएगी, तो क्या वो आएगी 1/2। when a डाई कितनी बार फेंकी है, when a डाई tossed 8 टाइम, जब एक डाई को 8 टाइम फेंका गया है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, हमें निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 7 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 7 सक्सेस हमें निकालनी है। एटलीस्ट 7 सक्सेस का मतलब क्या है स्टूडेंट, या तो 7 सक्सेस हो या 7 से ज़्यादा,
या आठ की आठ से, यानी आठ बार फेंका तो आठ की आठ बार हमारे पास क्या आए, इवन नंबर आए, या सात बार इवन नंबर आए, यानी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम आर इज इक्वल टू सेवन पे और आर इज इक्वल टू एट पे। तो हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगा, हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा स्टूडेंट्स एन सी आर, एन कितना है एट, सी आर पी वन बाय टू की पावर आर, और क्यू, क्यू कितना वन बाय टू की पावर एन माइनस आर, यानी एट माइनस आर यही आएगा, यानी एट सी आर और वन बाय टू की पावर, देखो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, एट माइनस आर प्लस आर हमारे पास एट हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो ये बन गया डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट एट सेवन सक्सेस, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी स्टूडेंट्स, यानी आर की वैल्यू सेवन रखने हैं और आर की वैल्यू एट, यानी एट सी सेवन वन बाय टू की पावर एट प्लस, और कौन सा प्लस, एट सी एट वन बाय टू की पावर एट, तो वन बाय टू की पावर एट हमारे पास कॉमन आ गया स्टूडेंट्स, और हमारे पास एट सी सेवन का मतलब क्या है, एट सी सेवन बच गया अंदर प्लस एट सी एट, तो वन बाय टू की पावर एट, दो की पावर छः होगा चौंसठ, और दो की पावर सात होगा एक सौ अठाई, दो सौ छप्पन हो जाएगा स्टूडेंट दो की पावर आठ, और आठ सी सेवन का मतलब एट सी सेवन का मतलब एट, और एट सी एट का मतलब वन, तो ये आ गया स्टूडेंट नौ बटे दो सौ छप्पन, यानी हमारे पास ईवन नंबर कम से कम सात बार आए या आठ बार आए उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई नौ बटे दो सौ छप्पन। अब सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ए डाई इज थ्रोन फोर टाइम गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन टू इज ए सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन सक्सेस। व्हेन सेकेंड, व्हेन ए डाई इज थ्रोन, टोटल आउटकम कितनी होगी हमारे पास, टोटल आउटकम होगी हमारे पास सिक्स, और गेटिंग ए सक्सेस क्या नंबर ग्रेटर देन फोर टू, इफ पी, यानी हम या तो पी कहें लेट, या हम एज्यूम करें लेट पी बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गेटिंग नंबर ग्रेटर देन एट, नंबर ग्रेटर देन एट, ग्रेटर देन टू, नंबर ग्रेटर देन टू आना सक्सेस है, तो नंबर ग्रेटर देन टू कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, थ्री फोर फाइव सिक्स, यानी नंबर ग्रेटर देन टू की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी पी क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस नंबर ग्रेटर देन फोर, नंबर ग्रेटर देन टू, तो नंबर ग्रेटर देन टू की कौन कौन से स्टूडेंट, यानी थ्री फोर फाइव सिक्स, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो, एक दो तीन चार, चार बटे छः, यानी दो बटा तीन, और क्या कितनी होगी स्टूडेंट्स, वन माइनस टू बाई थ्री, तो ये आ जाएगी वन माइनस कर देते हैं ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो वन बाय थ्री। अब स्टूडेंट्स व्हेन ए डाई टोस्ट कितनी बार, फोर टाइम, व्हेन ए डाई टोस्ट फोर टाइम, तो एन की वैल्यू कितनी होगी फोर, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन आएगा हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूशन वो आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास एन सी आर, यानी एन फोर सी आर पी टू बाई थ्री की पावर आर, और क्यू वन बाई थ्री की पावर एन माइनस आर, यानी फोर माइनस आर। अब मुझे चाहिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन सक्सेस, पहला प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन सक्सेस, वन सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी एग्जैक्टली वन सक्सेस की, यानी पुट आर इज इक्वल टू हम वन रखेंगे, हमें आर की वैल्यू वन, तो ये आएगा फोर सी वन टू बाय थ्री की पावर वन, और वन बाय थ्री की पावर फोर माइनस वन, तो फोर सी वन की वैल्यू फोर इंटू टू बाय थ्री, और वन बाय थ्री की पावर थ्री आ जाएगा, वन बाय थ्री की पावर थ्री वन बाय थ्री मल्टीप्लाई वन बाय थ्री मल्टीप्लाई वन बाय थ्री, चार दुनी आठ बटे तीन ते नौ इक्यासी, इक्यासी आ जाएगा टोटल आठ बटे इक्यासी। सेकेंड क्या चाहिए स्टूडेंट्स हमारे को,
लेस देन थ्री सक्सेस, लेस देन थ्री सक्सेस, लेस देन थ्री सक्सेस मीन्स यानी तीन हो, दो हो, एक हो या जीरो हो। तो हम क्या करें स्टूडेंट्स, या तो जीरो एक दो पे निकाल लो या तीन और चार पे निकाल के वन माइनस कर दो। यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है r इजिकल टू जीरो पे और r इजिकल टू वन पे और r इजिकल टू टू पे, तो लेस देन थ्री सक्सेस। r इजिकल टू जीरो पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे r ये डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे जीरो पुट करें तो आएगा 4c0 टू बाई थ्री की पावर जीरो और वन बाई थ्री की पावर फोर माइनस जीरो, और का मतलब प्लस, r की वैल्यू वन पुट करें 4c1 टू बाई थ्री की पावर वन और वन बाई थ्री की पावर फोर माइनस वन, प्लस 4c2 r की वैल्यू टू पुट करो टू बाई थ्री की पावर टू और फोर बाई वन बाई थ्री की पावर फोर माइनस टू। तो ये वन हो गया स्टूडेंट, ये वन और वन बाई थ्री की पावर फोर बच गया, यहाँ पे वन बाई थ्री की पावर फोर, 4c1 का मतलब फोर इंटू टू बाई थ्री और यहाँ वन बाई थ्री की पावर फोर, थ्री फोर माइनस वन थ्री, और प्लस 4c2 फोर इंटू थ्री अपॉन टू इंटू वन और यहाँ टू बाई थ्री मल्टीप्लाई टू बाई थ्री और वन बाई थ्री का फोर माइनस टू वन टू, तो वन बाई थ्री मल्टीप्लाई वन बाई थ्री, तो टू टू जा फोर, तो थ्री की पावर फोर एलसीएम हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास। तो ऊपर बच गया हमारे पास वन प्लस चार दुनी आठ और यहाँ पे दो दुनी चार दुनी आठ, तो ये आ गया आठ रात सोलह एक सत्रह, सत्रह बटे इक्यासी आया स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन थ्री सक्सेस। दो दुनी चार दुनी आठ थी चौबीस है स्टूडेंट्स, ये चौबीस और बत्तीस और तैतीस बटे हमारे पास इक्यासी आएगा, ये तीन छूट गया था स्टूडेंट्स। अब करते हैं हम इसका थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स देखते हैं। एन अनबायस्ड क्वाइन इज टॉस सिक्स टाइम, एक अनबायस्ड क्वाइन को छः बार फेंका जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली फोर हेड, यानी हेड को आना उसने सक्सेस माना है, हमें फोर हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो थर्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, व्हेन ए क्वाइन, पहले वो एक बार फेंकेंगे टॉस्ड वंस, टोटल आउटकम आएगी हमारे पास टू आएगी। तो स्टूडेंट्स हम हेड आने को सक्सेस मानते हैं, लेट पी बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गेटिंग हेड, हेड का आना हमने क्या मान लिया सक्सेस मान लिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की कितनी वन बाय टू और नए आने की वन बाय टू। अब क्वाइन को कितनी बार फेंका गया सिक्स टाइम, व्हेन ए क्वाइन इज टॉस्ड सिक्स टाइम, जब क्वाइन को सिक्स टाइम फेंका तो एन की वैल्यू कितनी होगी, तो देन एन इज इक्वल टू सिक्स, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूशन आएगा एन सी आर यानी सिक्स सी आर पी वन बाई टू की पावर आर और क्या वन बाय टू की पावर सिक्स माइनस आर एन माइनस आर, तो यह सिक्स सी आर वन बाई टू की पावर आर और सिक्स माइनस आर, तो बेस से मैं पावर ऐड होगी तो सिक्स बच गया। तो अब हमें चाहिए स्टूडेंट्स, हमें चाहिए एग्जैक्टली फोर हेड, नंबर वन प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली फोर हेड, तो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे आर इज इक्वल टू फोर पे, तो आर की वैल्यू फोर रखेंगे यहाँ पे सिक्स सी फोर वन बाय टू की पावर सिक्स, सिक्स सी फोर की वैल्यू होती है सिक्स इंटू फाइव, सिक्स सी टू के इक्वल अपन टू इंटू वन टू थ्री जा सिक्स, पंद्रह बटे दो की पावर छः हो जाएगा स्टूडेंट्स चौंसठ। नंबर दो चाहिए मोर देन फोर हेड, मोर प्रोबेबिलिटी चाहिए मोर देन फोर हेड, मोर देन फोर हेड मीन्स जब छः बार फेंका है यानी प्रोबेबिलिटी है, तो एक या तो आर की वैल्यू फाइव पे यानी पाँच हेड चाहिए या छः के छः बार फेंका तो छः की छः बार क्या आए हेड आए यानी आर इज इक्वल टू सिक्स पे। अब स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी आर इज इक्वल टू फाइव, एन की वैल्यू फाइव रखें सिक्स सी आर में, तो आर की वैल्यू फाइव रखें तो सिक्स सी फाइव
वन बाय टू की पावर सिक्स प्लस सिक्स सी सिक्स, एक बार सिक्स रखेंगे, वन बाय टू की पावर सिक्स, तो वन बाय टू की पावर सिक्स तो कॉमन आ गया स्टूडेंट्स, सिक्स ही फाइव की वैल्यू सिक्स है और सिक्स ही सिक्स की वैल्यू है वन, तो आया सात बटे चौंसठ। आगे चाहिए स्टूडेंट लेस देन थ्री हेड, प्रोबेबिलिटी चाहिए लेस देन थ्री हेड। अब तीन से कम हेड चाहिए, यानी लेस देन थ्री हेड मीन्स प्रोबेबिलिटी चाहिए जीरो हेड आर इज इक्वल टू जीरो पे, और आर इज इक्वल टू वन पे, और आर इज इक्वल टू टू पे। तो आर इज इक्वल टू जीरो पुट करें स्टूडेंट्स, तो आएगा सिक्स सी जीरो वन बाय टू की पावर सिक्स, फिर वन पुट करें सिक्स सी वन वन बाय टू की पावर सिक्स, प्लस टू पुट करें सो सिक्स सी टू वन बाय टू की पावर सिक्स, तो वन बाय टू की पावर सिक्स कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट्स, सिक्स की सी जीरो की वैल्यू वन प्लस ये सिक्स और ये सिक्स सी टू की वैल्यू आई है स्टूडेंट्स हमारे पास पंद्रह, पंद्रह छः इक्कीस और एक बाईस बटे क्या आ जाएगा चौंसठ। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे को फोर्थ पार्ट चाहिए इसका, मोर देन फोर हेड एंड लेस देन सिक्स हेड, प्रोबेबिलिटी चाहिए मोर देन फोर हेड एंड लेस देन सिक्स हेड, यानी चार से ज़्यादा और छः से कम हो, यानी प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें आर इज इक्वल टू फाइव पे, तो आर की वैल्यू फाइव रखेंगे तो सिक्स सी फाइव वन बाय टू की पावर सिक्स, और सिक्स सी फाइव की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स सिक्स अपॉन टू की पावर सिक्स, यानी चौंसठ। फिफ्थ चाहिए हमारे को एट लीस्ट फोर हेड, एट लीस्ट फोर हेड, यानी कम से कम फोर हेड, यानी फोर हो या फोर से ज़्यादा हो, यानी हम क्या करें स्टूडेंट फोर हो या फोर से ज़्यादा हो, यानी प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें आर इज इक्वल टू फोर पे, और आर इज इक्वल टू फाइव पे, और आर इज इक्वल टू सिक्स पे, तो आर की वैल्यू फोर रखेंगे सिक्स सी फोर, कहाँ पर रखेंगे स्टूडेंट्स फोर आर की वैल्यू यहाँ पे, आर की यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में, तो सिक्स सी फोर वन बाय टू की पावर सिक्स, फाइव रखें सिक्स सी फाइव वन बाय टू की पावर सिक्स, फिर सिक्स रखें सिक्स सी सिक्स वन बाय टू की पावर सिक्स, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा वन बाय टू की पावर सिक्स कॉमन, अंदर आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा सिक्स सी फोर प्लस सिक्स सी फाइव प्लस सिक्स सी सिक्स, तो वन बाय टू की पावर सिक्स आ जाएगा वन बाय चौंसठ, और सिक्स सी फोर की वैल्यू पंद्रह, सिक्स सी फाइव की वैल्यू सिक्स, और ये वन, पंद्रह और छः इक्कीस और एक बाईस, तो यह बाईस बटे चौंसठ। और लास्ट चाहिए एट मोस्ट फोर हेड, ज़्यादा से ज़्यादा फोर, यानी फोर से ज़्यादा ना हो, पाँच या छः ना हो, तो हम करें प्रोबेबिलिटी चाहिए एट मोस्ट फोर हेड, एट मोस्ट फोर हेड, एट मोस्ट फोर हेड का मतलब चार या चार से कम हो, चार से ज़्यादा ना हो, यानी हम क्या करें वन माइनस प्रोबेबिलिटी निकाल लें आर इज इक्वल टू फाइव पे, पाँच और छः की निकाल के वन माइनस कर दें, और आर इज इक्वल टू सिक्स पे, तो यह आएगा स्टूडेंट हमारे पास वन माइनस आर की वैल्यू फाइव रखें तो सिक्स सी फाइव वन बाय टू की पावर सिक्स, प्लस सिक्स सी सिक्स वन बाय टू की पावर सिक्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वन माइनस वन बाय टू की पावर सिक्स आ गया, और सिक्स सी फाइव की वैल्यू है सिक्स, और सिक्स सी सिक्स की वैल्यू है वन, तो यह आया स्टूडेंट्स वन माइनस सात बटे चौंसठ, तो चौंसठ एलसीएम आया स्टूडेंट्स, तो चौंसठ माइनस सात, तो ये आएगा स्टूडेंट्स चौंसठ में से जब सात जाएंगे तो 57 डिवाइड बाई 64। नेक्स्ट करते हैं हम स्टूडेंट्स इसका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन उसने कहा एक क्वाइन ही टोस्ट फाइव टाइम, ये देखिए एक क्वाइन ही टोस्ट फाइव टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर, यानी हेड आने को उसने सक्सेस माना है, तो व्हेन ए क्वाइन टोस्ट, टोटल आउटकम क्या है सिक्स, टोटल आउटकम आएगी हमारे पास टू आएगी स्टूडेंट, सिक्स नहीं टू आएगी, लेट पी बी दी प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गेटिंग हेड, हेड का आना क्या है, सक्सेस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी है, पी 1/2, यानी 1/2 और नए आने की 1/2। अब कॉइन को कितनी बार फेंका गया, 5 times। वेन ए क्वाइन इज टॉस्ड 5 times, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूशन वो आ जाएगा हमारे पास 5CR पी 1/2 की पावर R और 1/2 की पावर n माइनस R, यानी 5 माइनस R, तो आएगा 5CR 1/2 की पावर R प्लस 5 माइनस R, तो 5 बच गया, बेस से में पावर ऐड होगी। अब उसने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, पहला निकालें, प्रोबेबिलिटी निकालनी हमें एन इवन नंबर ऑफ टाइम, इवन नंबर ऑफ टाइम यानी हेड जो आएगा यानी सक्सेस आएगी, इवन नंबर ऑफ टाइम, इवन नंबर ऑफ टाइम का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यानी ये तो, और इवन उसने 0 को इवन नंबर माना है स्टूडेंट्स, तो इवन नंबर ऑफ टाइम का मतलब यानी आर इज इक्वल टू 0, क्योंकि उसने बोला है या आप देख सकते हो यू मे रिगार्ड 0 एज एन इवन नंबर, यानी 0 को इवन माना है, यानी 0 बार आए और आर की वैल्यू 2 पे और आर की वैल्यू 4 पे निकालें प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी आर इज इक्वल टू 0 पे क्या आएगी स्टूडेंट्स, आर की वैल्यू 0 रखेंगे तो 5C0 1/2 की पावर 5, 2 रखेंगे तो 5C2 1/2 की पावर 5, 4 रखेंगे 5C4 1/2 की पावर 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1/2 की पावर 5 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 5C0 प्लस 5C2 प्लस 5C4, तो 1/2 की पावर 1/32, 5C0 की वैल्यू 1 प्लस 5C2 की वैल्यू आएगी 10 और 5C4 की वैल्यू 5, तो आ जाएगा 16/32 यानी 1/2 आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट निकालनी है हेड अपीयर एन ओड नंबर ऑफ टाइम, यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड अपीयर एन ओड नंबर ऑफ टाइम, एन ओड नंबर ऑफ टाइम यानी फिर हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी है, तो हेड एक बार आए 1 पे और आर इज इक्वल टू 3 पे और आर इज इक्वल टू 5 पे, आर की वैल्यू 1 रखेंगे स्टूडेंट्स तो 5C1 1/2 की पावर 5, 3 रखेंगे 5C2 5C3 1/2 की पावर 5 और 5 रखेंगे 5C5 1/2 की पावर 5। तो स्टूडेंट 1/2 की पावर 5 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो ये 5C1 प्लस 5C3 प्लस 5C5, तो 1/2 की पावर 5 1/32, 5C1 की वैल्यू 5 प्लस 5C3 की वैल्यू 5C2 के इक्वल 10, 5C5 की वैल्यू 1, तो 10 और 11 और 5 16, 16/32 ये भी आ गई स्टूडेंट्स 1/2। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसका फिफ्थ सम करते हैं हम लोग, फिफ्थ सम क्या है देखते हैं। 8 क्वाइन आर टोस्ट साइमल्टेनियसली, थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द चांस ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट 6 हेड, कम से कम 6 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में व्हेन ए क्वाइन टोस्ट वंस, तो टोटल आउटकम कितनी आएगी स्टूडेंट्स, टोटल आउटकम हमारे पास आएगी 2। लेट पी बी दी, हेड को आना सक्सेस माना है, लेट पी बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गेटिंग हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की कितनी, 1/2 और क्या 1/2, 1 - 1/2 1/2 आ जाएगी। तो व्हेन 8 क्वाइन आर टोस्ट, यानी 8 क्वाइन को इकट्ठा फेंके या एक क्वाइन को 8 बार फेंके, बाद से यानी 8 ट्रायल हो जाएगी। व्हेन 8 क्वाइन
वेट ए वैन एट क्वाइन टोस्ट साइमल्टेनियसली। तो एन की वैल्यू कितनी होगी, एट। तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन आएगा स्टूडेंट एन सी आर, यानी एट सी आर पी वन बाय टू की पावर आर क्यू वन बाय टू की पावर एन माइनस आर, एट माइनस आर। तो एट सी आर वन बाय टू की पावर, बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, एट माइनस आर प्लस आर एट हो गई। अब स्टूडेंट्स हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट सिक्स हेड, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट सिक्स हेड, कम से कम सिक्स हेड की, यानी सिक्स हेड आए या सेवन आए या एट आए, यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने आर इजिकल टू सिक्स पे और आर इजिकल टू सेवन पे और आर इजिकल टू एट पे। तो आर की वैल्यू सिक्स रखें स्टूडेंट्स, तो आएगी एट सी सिक्स वन बाय टू की पावर एट प्लस सेवन रखें एट सी सेवन वन बाय टू की पावर एट और एट रखें तो एट सी एट वन बाय टू की पावर एट। तो स्टूडेंट्स आप देखिए वन बाय टू की पावर एट हमारे पास कॉमन, एट सी सिक्स की वैल्यू एट सी टू के इक्वल, यानी एट इंटू सेवन अपॉन टू इंटू वन, एट सी सेवन की वैल्यू एट प्लस एट सी एट की वैल्यू वन, तो टू फोर जा अट्ठाईस और आठ छत्तीस और एक सैंतीस, तो थर्टी सेवन डिवाइड बाई दो की पावर आठ हो जाएगा 256। अब सिक्स क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ए डाई इज थ्रोन टेन टाइम, इफ गेटिंग ए प्राइम नंबर इज कंसीडर ए सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट मोर देन एट सक्सेस। स्टूडेंट्स एक डाई को टेन टाइम फेंका जाता है, पहले व्हेन ए डाई टॉस्ड वंस, एक बार फेंकते हैं तो टोटल आउटकम कितनी होगी स्टूडेंट्स, सिक्स होगी। लेट पी बी दी प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी को उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस माना, प्राइम नंबर को आना, तो लेट पी बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गेटिंग प्राइम नंबर कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, वो हैं हमारे पास टू थ्री फाइव, इसकी इनका आना क्या है, सक्सेस है स्टूडेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है, तीन बटे छः यानी वन बाय टू, और क्या कितना है वन बाय टू। व्हेन ए डाई टोस्ट टेन टाइम, तो हमारे पास एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी टेन, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूशन वो आ जाएगा हमारे पास एन सी आर यानी टेन सी आर पी की पावर आर, आर कितना है नहीं पता, और क्या वन बाय टू की पावर टेन माइनस आर। तो डिस्ट्रीब्यूशन आया स्टूडेंट टेन सी आर, पी कितना था वन बाय टू था स्टूडेंट्स हमारे पास वन बाय टू, तो वन बाय टू की पावर आर और वन बाय टू की आर टेन माइनस आर, तो बेस में पावर ऐड हो जाएगी आर प्लस टेन माइनस आर, तो टेन बन जाएगा। जब आर में टेन माइनस आर ऐड करेंगे तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, टेन टेन बच जाएगा, बेस से में पावर ऐड हो जाती है। तो अब स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी निकालनी हमें, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट मोर देन एट सक्सेस, प्रोबेबिलिटी नॉट मोर देन एट सक्सेस। तो क्या आएगी स्टूडेंट्स, यानी आठ से ज्यादा ना हो, यानी नौ और दस ना हो, यानी आठ से कम हो सकते हैं ज्यादा नहीं हो, यानी नौ और दस ना हो, सिंपल सी बात ये है, नॉट मोर देन एट सक्सेस, यानी नौ और दस बार ना आए, यानी हम क्या करें वन माइनस निकालें, प्रोबेबिलिटी नौ पे निकालें आर इजिकल टू नौ पे और आर इजिकल टू दस पे निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स वन माइनस प्रोबेबिलिटी नौ पे आर की वैल्यू नौ रखेंगे टेन सी नाइन वन बाई टू की पावर टेन, और दस पे टेन सी टेन
वन बाय टू की पावर टेन। तो स्टूडेंट्स वन माइनस वन बाय टू की पावर टेन हमारे पास कॉमन आ गया, तो टेन सी नाइन की वैल्यू टेन सी नाइन बच गया और टेन सी टेन बच गया अंदर। स्टूडेंट्स वन बाय टू की पावर एट दो छप्पन, पांच सौ बारह, एक हजार चौबीस, दो की पावर दस हो जाएगा एक हजार चौबीस, और दस की पावर दस सी नौ का मतलब है दस, और दस सी दस का मतलब वन, तो एक हजार चौबीस एलसीएम आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। तो एक हजार चौबीस माइनस दस और ग्यारह ग्यारह तो आ जाएगा एक हजार तेरह डिवाइड बाय एक हजार चौबीस, तो ये आ गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी नॉट मोर देन एट सक्सेस। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी हम इसके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है, अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।